हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इम्प्रॉपर इंटीग्रल रियल एनालिसिस का, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का थर्ड वीडियो मैं आज लेकर के आया हूँ। फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट काइंड में और सेकंड काइंड में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंट होने को चेक करने के लिए हम अलग अलग टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट ऑफ फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है पहले, वो फर्स्ट वीडियो को जाकर के देखें, क्योंकि फर्स्ट काइंड मैंने डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ था। फर्स्ट काइंड में क्या था कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो थी वो इन्फिनिटी थी। एक जो इंटरवल था, एक पॉइंट, उसमें इन्फिनिटी होना चाहिए और फंक्शन बाउंडेड था। इस तरीके के इंटीग्रल को हमने बोला था इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड पे हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा। ये याद रहे, एग्जाम्स में न्यूमेरिकल करते हुए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला आपका स्टेप यही रहेगा कि आप चेक करें कि वो फर्स्ट काइंड का है या सेकंड काइंड का, क्योंकि फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में जो टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। कंपेरिजन टेस्ट आप यहाँ भी पढ़ेंगे, सेकेंड काइंड में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो कंपेरिजन टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, थोड़ी ये जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले आपका मेन स्टेप है कि आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, इस टेस्ट के स्टेटमेंट को देखते हैं, फिर इसके बाद मैं इसका एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस विच आर बाउंडेड। एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शंस ऐसे हैं जो बाउंडेड हैं, क्योंकि फर्स्ट काइंड में आप ये पढ़ रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो बाउंडेड तो वैसे भी होनी चाहिए वो। एंड इंटीग्रेबल इन द इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिटी। एक पर्टिकुलर जो इंटरवल रेंज आपको इंटीग्रेशन की जो रेंज दी है, उस इंटीग्रेशन की रेंज में वो फंक्शन बाउंडेड भी होना चाहिए और इंटीग्रेबल भी होना चाहिए। इंटीग्रेबल मीन्स उसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑल्सो लेट जी एक्स बी पॉजिटिव। ये जो जी एक्स है ये पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए, पॉजिटिव मीन्स वैल्यूज इसके पॉजिटिव आनी चाहिए। और इसके साथ साथ एफ एक्स जो फंक्शन आपने लिया हुआ है, इसका मॉड्यूलस जो है वो जो दूसरा फंक्शन जी एक्स है उससे कम या उसके इक्वल आना चाहिए। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इस इंटरवल में। देन इफ दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट, देन इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। कहने का मतलब यह है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है जो मैंने बताई, तो अगर जी एक्स कन्वर्जेंट होगा, जी एक्स का इंटीग्रेशन उस रेंज में कन्वर्जेंट होगा, मीन्स इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट आ रही होगी, तो वो जो एफ एक्स वाला इंटीग्रेशन इसी रेंज में आएगा वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर ये इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट होगा यानी कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, तो एफ एक्स वाले इंटीग्रेशन की भी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। कंपेरिजन टेस्ट ये कहता है कि एफ एक्स का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना, एफ एक्स के इंटीग्रेशन का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होना जी एक्स के इंटीग्रेशन के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होने पे डिपेंड करेगा। अगर ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपको एफ एक्स वाला इंटीग्रेशन दिया है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर ये इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट होगा तो ये इंटीग्रेशन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, उस न्यूमेरिकल से आपको ये सारी कंडीशन और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और एक पॉइंट में ये बता दूं इस वीडियो में कि कंपैरिजन टेस्ट का एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी है, उस फॉर्म को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहली फॉर्म पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल में लिख रहा हूँ, इसका प्रूफ सॉल्यूशन जो है वो देखते हैं। अगर मुझे एक इंटीग्रेशन दिया है, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। आपको ये बताना है कि ये जो इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट होगा तो इस इंटीग्रेशन की फाइनाइट वैल्यू आएगी, और अगर डाइवर्जेंट होगा तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। जो कंपेरिजन टेस्ट मैंने आपको बताया, उस कंपेरिजन टेस्ट में किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आप उस टेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दोनों फंक्शन नहीं दिए होंगे, आपको एक फंक्शन दिया होगा, दूसरा फंक्शन जो जी एक्स है वो खुद से आपको बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ये एफ एक्स तो जो आपको इंटीग्रेशन में दिया हुआ इंटीग्रेंड उसी को आपने एफ एक्स मान लिया, और
जीएक्स को आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, वो न्यूमेरिकल करते हुए आपको खुद से समझ में आ जाएगा। हमने जीएक्स को ये मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखते हैं क्या ये एफ एक्स और जीएक्स क्या ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। एफ एक्स वाला और जीएक्स वाला जो इंटीग्रेशन है इस जीरो से इंफिनिटी की रेंज में हमेशा बाउंडेड भी होगा। आप देख लीजिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा, बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे, आपको फंक्शन की बाउंडेड वैल्यू मिलेगी, इंटीग्रेबल भी दोनों फंक्शंस हैं, और जीएक्स जो आपने ये फंक्शन लिया है इस क्योंकि दोनों में स्क्वायर आ रहा है तो कभी भी निगेटिव तो आना नहीं है, पॉजिटिव भी है। तो हियर एफ एक्स एंड जीएक्स आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, बाउंडेड भी है इंटीग्रेबल भी है, किस इंटरवल में, जीरो से इंफिनिटी के ओपन इंटरवल में, एंड जीएक्स इज पॉजिटिव। तो आपको फंक्शन जीएक्स ऐसा लेना पड़ेगा जो पॉजिटिव होना भी चाहिए। अब हम देखते हैं एफ एक्स का मॉड निकालते हैं, एफ एक्स का मॉड मतलब कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस जो फंक्शन कोसाइन फंक्शन है, इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, वन। अगर इस फंक्शन में कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू हम रख दें वन, तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसमें मॉड लगाने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। तो ये जो वैल्यू है हमेशा इस वैल्यू से क्या आएगी, छोटी आएगी, ये मैक्सिमम इक्वल आ सकती है। और ये एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये है क्या, ये है जी एक्स। तो आपको जी एक्स ऐसे ही इस तरीके का फंक्शन लेना पड़ेगा जो एफ एक्स वाली और ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो कॉस एम एक्स में कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू हमने रख दी, तो ये जो पूरी वैल्यू है हमेशा इससे छोटी आएगी। तो इसका मतलब एफ एक्स का जो मॉड है ये लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, जी एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो कंपैरिजन टेस्ट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एफ एक्स और जी एक्स बाउंडेड भी है, इंटीग्रेबल भी है, जी एक्स पॉजिटिव भी है, एफ एक्स का मॉड जो है वो जी एक्स के इक्वल है उससे छोटा भी आ रहा है। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि जो इंटीग्रेशन जी एक्स का इस जीरो से इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन है अगर वो कन्वर्जेंट आ जाए तो एफ एक्स वाला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। और अगर ये इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट है तो ये इंटीग्रेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ इंटीग्रेशन है वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो किसी भी इंटीग्रेशन को बिना सॉल्व करें हम कंपैरिजन टेस्ट से बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू फाइनाइट है या इन्फिनिटी है। अब देखते हैं इसको आगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। स्टेटमेंट अब इसका मैं हटा दे रहा हूं, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट ईदर जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड, या मैं डायरेक्टली उसी डेफिनेशन का ही स्टेटमेंट यूज कर लेता हूं, बाय कंपैरिजन टेस्ट इफ जीरो टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, देन अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो एफ एक्स वाला इंटीग्रेशन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो आपको सिर्फ जी एक्स वाले इंटीग्रेशन पे फोकस करना है। तो जी एक्स वाला इंटीग्रेशन देखते हैं, नाउ जीरो टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं, जी एक्स था क्या, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैंने कैसे लिखा था, जीरो से एक्स, सेकेंड वीडियो में हमने देखा था एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए जीरो टू एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो टैन इनवर्स जीरो जीरो होता है, लोअर लिमिट की कोई वैल्यू आपको यहाँ पे जीरो मिल रही है। तो हायर लिमिट में देखिए टैन इनवर्स इन्फिनिटी अगर हम लगाएंगे तो टैन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाय टू, और वन अपॉन ए आ रहा है बाहर से तो वन पाई बाय टू ए आ गया, और पाई बाय टू ए क्या है, फाइनाइट वैल्यू है।
और अगर किसी इंटीग्रेशन की फाइनाइट वैल्यू अगर आती है तो वो इंटीग्रेशन क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। किस इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जी एक्स वाले इंटीग्रेशन की। देयरफॉर जीरो टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो आपको जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स यानी कि जीरो से इन्फिनिटी कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस कंपैरिजन टेस्ट का यूज करके किसी भी फंक्शन का कन्वर्जेंट होना या डाइवर्जेंट होना देख सकते हैं। ये कॉस एम एक्स की जगह पे कॉस सिंपली कॉस एक्स भी आपको मिल सकता है या यहाँ पे साइन भी मिल सकता है, करना आपको ऐसे ही है इसको मॉड्यूलस वगैरह निकाल के और ये सारी कंडीशन चेक करनी है कि सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। बुक से इसी तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करें और जो इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म है कंपैरिजन टेस्ट की उसका काफ़ी यूज़ होता है, उसका इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा यूज़ होता है इस फॉर्म के। तो इस पे बेस दो चार न्यूमेरिकल्स आप और सॉल्व करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऑल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।